जून में पीक पर पहुंच सकता है कोरोना। देश के इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं नए वेरिएंट फ्लीट के मामले। सिंगापुर में कोरोना की नई लहर से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। सिंगापुर में एक सप्ताह के भीतर ही लगभग 25,900 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद सिंगापुर स्वास्थ्य विभाग में लोगों को एक बार फिर से मास्क पहने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। चिंता की बात यह है कि भारत में भी इस नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में KP.1 के 34 और KP.2 के 290 मामले सामने आए हैं। जून में पीक पर पहुंच सकता है कोरोना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर में कोरोना वायरस के 2/3 से अधिक मामले नए वेरिएंट्स KP.1 और KP.2 के हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जून के मध्य तक कोविड के मामलों के पीक पर पहुंचने की आशंका जताई है। विशेषज्ञों के मुताबिक KP.2 जिस तेजी से फैल रहा है, ऐसे में संभावना ये है कि JN.1 वेरिएंट से भी ज्यादा फैलेगा। कोरोना के लगभग 50% सैंपल में KP.2 को ही प्रमुख कारक माना जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में अब तक KP.2 के 146 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 36 संक्रमित मरीजों का पता चला है। इसके अलावा गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में ज्यादातर संक्रमित मरीजों में हल्के स्तर के ही लक्षण देखे जा रहे हैं। नए वेरिएंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने या गंभीर मामले फिलहाल नहीं है। आपको बता दें, इस नए कोरोना वेरिएंट का संबंध ओमिक्रॉन फैमिली से है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का वो स्ट्रेन है जिसने दुनिया भर में सबसे अधिक तबाही मचाई थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे म्यूटेशन देखे गए हैं जो इसे अधिक संक्रामक बनाते हैं। कोरोना वायरस की बूस्टर डोज तक लगवा चुके लोग भी इससे संक्रमित हो सकते हैं।